students, welcome once again to my channel Physics Clinic. पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह कंक्लूजन प्राप्त किया था कि चार्ज इज ए हीरो एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लाइफ इज ए मूवी. इसके पीछे रीजन ये था कि हम लोगों ने देखा, हमें पढ़ना था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो फिर हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक पार्ट है. अब फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जब देखा गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है कि हम चार्ज की ही स्टडी करते हैं लेकिन रेस्ट पोजीशन पर. और उसका जो दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसमें क्या देखा गया कि उसमें भी चार्ज का ही हम स्टडी करते हैं लेकिन इन मोशन. अब हमें यह स्पष्ट हो गया पहले से कि चार्ज की ही भूमिका इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए चार्ज के विषय में सबसे पहले जानना जरूरी है. तो आपको बताया गया था कि चार्ज इज एन इंटेंसिक प्रॉपर्टी लाइक एज अ मास. इस पिछले वीडियो में इस पर डिस्कशन किया गया था कि मास के तरह से चार्ज भी एक मौलिक गुण है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पदार्थ का. तो यहां पर डिफिनेशन वगैरह हमने पहले इसलिए लिख दिया कि अधिक से अधिक टाइम लग जाता है. तो इलेक्ट्रिक चार्ज का कई सारा डिफिनेशन हमने लिखा है. इट इज एन इंटेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच शोज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. यहां पर ध्यान देना है, यहां इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी आया हुआ है. फिर आगे चार्ज इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी है किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए. ये फिर यहां पर ध्यान रखना होगा कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी महत्वपूर्ण है. अभी इलेक्ट्रिसिटी पर डिस्कशन हमें करना होगा. फिर उसके बाद चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल विच शोज इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी किसी भी पार्टिकल का ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है. फील्ड के विषय में थोड़ा सा जानना जरूरी है कि जैसे चार्ज है तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जब होगा तो उसके चारों तरफ एक फील्ड बनता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. इस पर हम फिर बाद में चर्चा करेंगे. फिर इसमें कुछ चार्ज के विषय में और जानकारी है. इट इज ए डिनोटेड बाय क्यू. इसको स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से लिखा जाता है. इसका जो एसआई यूनिट है वो कूलम्ब है. चार्ल्स अगस्टिन डे कूलम्ब के नाम पर उनके सम्मान में इसका मात्रक यूनिट कूलम्ब रखा गया है. जब पूरा कूलम्ब लिखना होता है तो स्मॉल से लिखा जाएगा. अगर हमें केवल उसका सिंबल लिखना होगा तो कैपिटल से लिखा जाता है. यहां पर उसे दिखाया गया. फिर ये तो एसआई यूनिट की बात हो गई. सीएस यूनिट में इसका जो मात्रक होता है ईएसयू, इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं. और इसी को हम फ्रैंकलिन भी कहा जाता है. इसी को हम फ्रैंकलिन भी कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं एफ आर से. बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे. इन्होंने सबसे पहले आवेश का विधिवत अध्ययन किया, स्टडी किया और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर डाले और बहुत सारा उन्होंने कंक्लूजन प्राप्त किया. उसमें से एक बड़ा महत्वपूर्ण कंक्लूजन था, इन्होंने ये बताया, चार्ज को क्लासिफाई कर दिया कि चार्ज दो तरह का होगा, एक पॉजिटिव और दूसरा होगा निगेटिव. तो इस वजह से इनके सम्मान में जो चार्ज की सीरियस यूनिट है उसका नाम फ्रैंकलिन रख दिया गया. उस फ्रैंकलिन को हम स्टैट कूलम्ब भी कहते हैं. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. तो कूलम्ब और फ्रैंकलिन के बीच का रिलेशन है, इस पर फिर हम बाद में चर्चा करेंगे कि इसकी वैल्यू कैसे आएगी. तो 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3×10⁻⁹ फ्रैंकलिन हो जाता है. इसी तरह से एक और यूनिट है ईएमयू, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहते हैं. आपने देखा होगा दो पार्ट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के दो पार्ट थे, एक था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी जहां पे हम चार्ज का रेस्ट पोजीशन में हम स्टडी करते हैं वहां पे ये सी यूनिट ले लेते हैं. और जैसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जाते हैं जहां हम रेस्ट और मोशन दोनों को देखते हैं वहां पर इस यूनिट की भी जरूरत पड़ जाती है. और इस यूनिट में एमयू ऑफ चार्ज इज इक्वल टू होता है 3×10⁻⁹ फ्रैंकलिन एंड दिस इज इक्वल टू 10 कूलम्ब. इसके बाद सबसे जो खास बात है ये जानना था कि इसकी सबसे बड़ा मात्रक क्या है. इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका यूज सबसे अधिक होता है. तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे, या माइकल फैराडे के सम्मान में रखा गया है. और एक फैराडे इज इक्वल टू ये 96,500 कूलम होता है.
अब हमें ये थोड़ा सा फैराडे जो यूनिट है इस पर भी थोड़ी सी चर्चा हमें करनी है। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जितने चार्जेज होते हैं उसी को हम कहते हैं एक फैराडे। एक फैराडे का मतलब द चार्ज ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वन फैराडे। दैट्स ऑल। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। ध्यान दें तो हमने डिस्कशन कर दिया थोड़ा सा यूनिट पर, लेकिन आपने देखा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है अब उस पर थोड़ी सी चर्चा करना जरूरी हो गया। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है थेल्स ऑफ मिलेटस के विषय में, हो सकता आपने सुना हो, या एक ग्रीक मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर फिलोसफर, इन्होंने सबसे पहले ये देखा कि एक अंबर नापक सब्सटेंस था। अंबर को फर के साथ, जानवरों की खाल जो नरम खाल होती है उसके साथ रबिंग कराने पर अंबर में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी डेवलप हो गई जिसके वजह से छोटे छोटे घास के सूखे हुए हल्के टुकड़ों को वह अपनी ओर आकर्षित करने लगा। तो सबसे पहले इस विचित्र गुण को, इस अद्भुत गुण को सबसे पहले अंबर में देखा गया और देखा किसने, थेल्स ने देखा। तो इस तरह से डिस्कवरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डिस्कवरी एक तरह से देखा जाए तो थेल्स ने किया। थेल्स ने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के विषय में बताया, लेकिन नामकरण उन्होंने नहीं किया था। तो अब हुआ ये कि यह काम थेल्स ने 600 बीसी में किया था, अंबर नामक पदार्थ में देखा गया था, और इसका नाम रखने का श्रेय जाता है विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने क्या आधार बनाया नामकरण का, कि जो अंबर सब्सटेंस है उसको ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यहां हमने लिख रखा है ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन को, यह ईटा लेमडा एप्साइलन और ये है कपा, ये टाउ, ये रो और ये है ओमिक्रॉन और ये है न्यू। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन यहां पर लिखा हुआ है, जिसको फिर बाद में इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन कहा गया और फिर हिंदी में इसी को विद्युत कहा गया। और चूंकि अंबर में सबसे पहले इस तरह का फ्रिक्शन के वजह से डेवलप होने वाली जो ये प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिसिटी वाली, वह अंबर में देखा गया और अंबर का ग्रीक भाषा में नाम इलेक्ट्रॉन है, उसी के आधार पर विलियम गिलबर्ट ने इस प्रॉपर्टी का नाम रख दिया इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्लियर हो गया कि हम सब्सटेंस को आपस में रबिंग कराते हैं तो इस तरह का एक गुण, एक प्रॉपर्टी डेवलप होती है जिससे वे हल्के हल्के छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। ऐसे डेली लाइफ में भी हमको देखने को मिलता है कि कंघी को, अगर हम कंघी करते हैं सूखे बालों में, तो फिर कंघी को अब कागज के हल्के छोटे छोटे टुकड़ों के करीब में लाते हैं तो वो टुकड़े कंघी से अट्रैक्ट होकर कंघी से चिपक जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से बाद में 1600 ईस्वी में विलियम गिलबर्ट ने इलेक्ट्रिसिटी का नाम रखा, और 1646 में थॉमस ब्राउन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस पर एक्सपेरिमेंट किया, रबिंग कराया और देखा कि बहुत सारे सब्सटेंसेस पर इस तरह से ऐसे तमाम इस तरह की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। तो फ्रिक्शन द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी डेवलप होती है उसको हम ट्राइबो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं, और ऐसे कुछ सब्सटेंस का एक सीरीज बना दिया गया जिसको हम ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज कहते हैं। उस सीरीज में से कुछ सब्सटेंसेस को हमने यहां पर लिख रखा है। अब इसमें क्या है कि इस सीरीज से हमें क्या मिलता है, अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज इफ वी विल सेलेक्ट ग्लास एंड सिल्क फॉर रबिंग, तो देन सो ग्लास विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज वाइल सिल्क विल गेट ए नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स मतलब ये हुआ कि देखिए ये सीरीज कुछ एक निश्चित सीक्वेंस में है, ऊपर से नीचे जो ऊपर होगा वो प्लस चार्ज हमेशा टेकअप करेगा नीचे वाले की तुलना में, यही चीज इसमें ध्यान देना है। तो हमने वही बताया कि अगर हमने ग्लास ले लिया और सिल्क को ले लिया आपस में रबिंग करा दिया
तो पता ये चलेगा कि ग्लास में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और सिल्क में क्या होगा, निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। आप पॉजिटिव निगेटिव चार्ज इसका डिस्कशन फिर हम आगे करते हैं। तो इस तरह से आपने देख लिया प्राइम इलेक्ट्रिक सीरीज पर भी तमाम क्वेश्चन तरह तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो ये सीरीज अगर आप ध्यान में रखते हैं तो अच्छी बात होगी। फिर अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पर, इसके डेवलपमेंट पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन यानी चार्जिंग करने की क्रिया। किसी भी सब्सटेंस को जब हम चार्जिंग करते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए न्यूट्रल बॉडी इनटू ए चार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। अभी हम लोग न्यूट्रल के विषय में अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी यहां इतना ही जानना है कोई भी बॉडी हमेशा चार्ज के से की तुलना में देखा जाए, चार्जिंग के नजरिए से देखा जाए, चार्ज के नजरिए से देखा जाए तो हमेशा वो न्यूट्रल मिलता है। अब न्यूट्रल का मतलब क्या अभी बताया जाएगा। फिलहाल अब आपने हम देखते हैं कि चार्जिंग करने के जो तरीके हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन के जो तरीके हैं वो मुख्य रूप से तीन तरीके हैं, एक बाय फ्रिक्शन, एक बाय कॉन्टैक्ट और तीसरे नंबर पर बाय इंडक्शन। तो बाय फ्रिक्शन का मतलब आप समझ सकते हैं कि रबिंग कराने पर दो सब्सटेंसेस को आपस में रबिंग कराया जाए और उससे इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है, उससे जो चार्जिंग होती है उसको फ्रिक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। बाय कॉन्टैक्ट एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट मिलाते हैं। अगर चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर जाता है तो दिस मेथड इज कॉल्ड कंडक्शन। बाय इंडक्शन, तो अभी आपने देखा कि पहले क्या था फ्रिक्शन, दूसरा क्या था कॉन्टैक्ट और तीसरे नंबर पर इंडक्शन। इंडक्शन दर में दूर से थोड़ी दूरी पर ही वस्तुओं को रखा जाए और एक वस्तु में चार्ज, एक पे चार्ज हो, एक सब्सटेंस पे चार्ज हो दूसरे पे ना हो, एक पे चार्ज हो दूसरे पे ना हो, नजदीक रखा जाए तो दूसरी जो ऑब्जेक्ट है वो भी चार्ज हो जाती है। इस क्रिया को हम कहते हैं, इस एक्शन को हम कहते हैं इंडक्शन। अब हम थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करेंगे कि फ्रिक्शन में क्या है, फ्रिक्शन से चार्जिंग कैसे होती है। तो अब आपको जो ध्यान रखना होगा कि जो मॉडर्न मेथोलॉजी है वो क्या है कि जब हम दो सब्सटेंसेस को रबिंग कराते हैं यानी फ्रिक्शन जब उनके बीच में होता है, तो अभी कोई भी सब्सटेंस ये जाना जाए कि वह एटम से बना होता है और एटम का जो सेंट्रल कोर होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वह उस न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट होते हैं, परिक्रमण करते हैं, रिवॉल्वेशन में रहते हैं, घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं। सबसे खास बात यह जानना है कि कोई भी सब्सटेंस बना होता है एटम से, और एटम की जब क्लासिफिकेशन की बात हम करते हैं तो पता चलता है कि तीन फंडामेंटल पार्टिकल हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यह न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वह रिवॉल्व करता है नाभिक के चारों सर्कुलर मोशन। अब हमें यह जानना है कि जो प्रोटॉन है उस पर कोई प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो न्यूट्रॉन है यह न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, जो इलेक्ट्रॉन है यह नेगेटिव चार्ज होल्ड करता है। अब क्या हुआ कि अब कुल मिलाकर इस जो न्यूक्लियस है इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन है इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अब न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है जिसके वजह से यह अपने ऑर्बिटल से अलग नहीं होता। अब हम अंदर जाते हैं न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी एक फोर्स डेवलप होता है, इस फोर्स का नाम है स्ट्रांग न्यूक्लियस फोर्स। और स्ट्रांग जो न्यूक्लियर फोर्स है ये सबसे स्ट्रांग फोर्स है, इससे स्ट्रांग दूसरा कोई फोर्स नहीं हो सकता। तो क्लियर हो जाता है कि ये जो प्रोटॉन है ये न्यूक्लियस से आसानी से अलग नहीं होगा,
तो जब हम दो सब्सटेंस को आपस में रबिंग कराते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करता है, जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की तुलना में बहुत ही छोटा होता है, इसलिए यह जो इलेक्ट्रॉन है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के वजह से एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में चला जाता है। और अब क्या होता है कि अभी जो न्यूट्रल की बात हुई थी उस न्यूट्रल को भी हम समझते हैं कि अगर हम एक एटम की बात करते हैं तो एटम में होता यह है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्जेज होते हैं, फर्क होता है पॉजिटिव और निगेटिव का। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब अगर हम एक एटम की बात करते हैं तो एक एटम पर नेट चार्ज इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो जहां पर नेट चार्ज जीरो होता है उस सिस्टम को हम कहते हैं न्यूट्रल सिस्टम। तो टोटल जो एटम है वो क्या हो गया, टोटल न्यूट्रलाइज हो गया, यानी इस पर चार्ज नेट चार्ज क्या हुआ, जीरो हुआ। अब जिस चार्ज की हम बात करते हैं एक्चुअली वो एक्सेस चार्ज है। चार्ज मीन्स एक्सेस चार्ज, मतलब इसका क्या हुआ कि अब हम यहां ध्यान से देखें कि अगर हम यहां पर कोई एक सब्सटेंस ले लेते हैं और इस सब्सटेंस पर 5 पॉजिटिव चार्ज है और तब इसमें क्या होंगे, 5 नेगेटिव चार्ज भी होंगे। रीजन ये है कि यह जो सब्सटेंस है ये नेचुरली न्यूट्रल होगा, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। दूसरा यहां पर एक हम और बॉडी ले लेते हैं और इसमें की पोजीशन ये है कि इस पे मान लिया +3 चार्ज है और फिर -3 चार्ज है। अब इन दोनों को आपस में हम रबिंग करा देते हैं तो यहां पे स्पष्ट हो जाता है या क्लियर हो जाता है कि प्लस चार्ज एक में से दूसरे में ट्रांसफर नहीं करेगा, क्योंकि पहले पता चल चुका कि जो प्लस चार्ज है वह प्रोटॉन से एसोसिएट करता है और जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर है और न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रांग न्यूक्लियस फोर्स डेवलप होता है, जो बहुत ही मजबूत फोर्स होता है, आसानी से प्रोटॉन वहां से अलग होने वाला नहीं है। इस वजह से क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन ही यहां से अलग होगा। तो अब अगर हम ये मान लें कि पहले सब्सटेंस में से दूसरे सब्सटेंस में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो जब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे अब क्या होगा कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रोटॉन यहां से नहीं गया, इलेक्ट्रॉन कम हुआ 2 तो यहां पे अब 3 ही माइनस चार्ज बचेगा। यहां अगर हम आते हैं तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रीजन क्या है कि प्रोटॉन इसमें से इसमें नहीं आया है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसलिए निगेटिव चार्ज पर प्रभाव पड़ेगा और निगेटिव चार्ज पहले से यहां -3 था, 2 माइनस और आ गया तो यहां पे -5 हो गया। इस तरह से देखा जाए रबिंग करने से पहले पोजीशन ये थी +5 -5 इज इक्वल टू जीरो और इसमें +3 -3 इज इक्वल टू जीरो, लेकिन आफ्टर रबिंग घर्षण के बाद क्या हुआ, यहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो +5 और -3 दिस इज +2 एंड +3 एंड -5 दिस इज -2। तो इस तरह से क्या देखा गया, इसमें एक्सेस चार्ज आ गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गया और इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया। तो जिस चार्ज की हम बात करते हैं वो क्या है, एक्सेस है, बल्कि इसको हम अतिरिक्त कह सकते हैं। तो इस तरह से क्या देखा गया कि फ्रिक्शन के प्रोसेस में पहले वाले सब्सटेंस पे +2 चार्ज आ गया और दूसरे वाले पे -2 चार्ज आ गया। तो इस तरह से फ्रिक्शन के द्वारा जो सब्सटेंस है वो चार्ज हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रिक्शन। उसमें क्या कहते हुए आप देखा दूसरा वाला बाय कंटैक्ट, तो बाय कंटैक्ट में एक खास बात यह है कि सब्सटेंसेस अलग अलग तरह के होते हैं, एक कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। जो कंडक्टर होता है ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर देता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास्ट कर जाए, आसानी से गुजर जाए, इसको ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं कंडक्टर। इस पे आगे भी चर्चा होगी लेकिन अभी अभी जितनी जरूरत है उतनी ही। और दूसरा जो है इंसुलेटर है, जो
इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करता, अपने से पास नहीं होने देता। और तीसरे प्रकार का जो सब्सटेंस है, तीसरे तरह का, वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के तरह से ही होता है, लेकिन दोनों फर्क ये है कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर इन जनरल इंसुलेटर जैसा होता है, लेकिन अगर हम उसे हीट कर देते हैं तो तुरंत वह कंडक्टर बन जाता है। लेकिन जो जो इंसुलेटर होता है उसको कितना भी हीट करेंगे तो वह कभी कंडक्टर नहीं बनता, बस इतना सा फर्क होता। फिलहाल यहां पर हम आते हैं, तो अब एक चार्ज पार्टिकल है, दूसरा अनचार्ज पार्टिकल है, और वो क्या है, कंडक्टर है। तो जैसे ही उनको हम कंटेक्ट में लेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन, अभी आपने देखा कि यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन वहां पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक सब्सटेंस से दूसरे में ट्रांसफर कर जाएगा। यह तब हो पाएगा जब वह जो दूसरा वाला सब्सटेंस है वो क्या हो, कंडक्टर। तो ये है बाय कॉन्टैक्ट यानी कंडक्शन। कंडक्शन के विषय में फिर आगे भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में आगे इसमें विधिवत अध्ययन किया जाएगा। बाय इंडक्शन क्या है कि दूर से ही हम क्या करते हैं, इंडक्शन को थोड़ा सा समझते हैं। दूर से ही हम सबसे पहले यहां एक सब्सटेंस हमने ले लिया इस तरह से, और एक दूसरा सब्सटेंस हमने लिया जो दूसरा वाला अनचार्ज है और पहला वाला चार्ज है। पहला वाला चार्ज है इसके सरफेस पर प्लस चार्जेड है मान लिया। अब दूसरे वाले में क्या है कि यह अनचार्ज है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हमेशा एक साथ जुड़े रहेंगे। इस तरह की जो पोजीशन होती है, ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस से हमेशा जुड़े ही रहते हैं, उसको हम संबद्ध इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फिलहाल तो यहां पर क्या होगा कि जैसे ही इस बॉडी को हम इसके नजदीक ले आएंगे तो ये प्लस चार्जेज और यहां पर प्लस चार्जेज के बीच में रिपल्सन होगा, ये रिपेल करेंगे, तब क्या होगा कि ये जो प्लस है यहां से हटेगा, ये प्लस यहां से हट जाएगा और ट्रांसफर कर जाएगा, इसे सब विस्थापित हो जाएंगे, दूर हट जाएंगे। तो इसके इस तरफ यहां पर केवल निगेटिव सरफेस पर रह जाएगा, और ये क्या होगा, ये बॉडी का ये वाला जो सरफेस होगा वह चार्ज हो गया, यहां पर निगेटिव चार्ज दिखाई पड़ेंगे, और इस पे क्या थे, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या हो गया, इंडक्शन हो गया। इंडक्शन पर थोड़ा सा ही हमने चर्चा किया। अब उसके बाद बहुत जरूरी है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में सबसे पहले आप देख रहे हैं कि चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, यानी चार्ज जहां होगा वहां मास अवश्य होगा, ये जरूरी है हर हाल में। कहीं भी आप देख सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है तो उसके पास मास भी है, तो जहां चार्ज होगा वहां मास हमेशा होगा, क्लियर। लेकिन जहां मास हो वहां चार्ज होना जरूरी नहीं है, जैसे कि न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन में मास होता है लेकिन चार्ज नहीं होता। फिलहाल इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, जानना है आपको कि इलेक्ट्रिक चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी है, वे वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। उसके बाद अगला, लाइट चार्ज रिपेल एंड अनलाइट चार्ज अट्रैक्ट। तो अब ये जानना था आपको कि जो अनलाइट चार्ज है वो अट्रैक्ट करते हैं और जो लाइट चार्ज है वो रिपेल करते हैं। ये सारी चीजें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक्सपेरिमेंटली शो किया। आगे ए चार्ज अट्रैक्ट लाइट अनचार्ज बॉडीज, यानी अगर एक चार्ज बॉडी को हम एक अनचार्ज छोटे छोटे बॉडी के पास लाते हैं तो उसको अट्रैक्ट कर लेते, जैसे कि कंघी को हम बालों के साथ रबिंग कराते हैं और छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास लाते हैं तो वह क्या करेगा, उसे अट्रैक्ट कर लेगा। उसके बाद ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर सवाल बार बार पूछे जाते हैं, रिपल्सन इज श्योर टेस्ट फॉर द डिडक्शन ऑफ चार्जेस चार्ज, या फिर रिपल्सन इज श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या हुआ कि कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं है इसका सही टेस्ट है रिपल्सन। रीजन क्या है कि अट्रैक्शन इसलिए सही टेस्ट नहीं है कि अगर अनचार्ज बॉडी भी होगा और उसके पास हम चार्ज बॉडी को ले जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर काम कर सकता है, तो ऐसे में क्लियर अट्रैक्शन अनचार्ज बॉडी पर भी लग सकता है और चार्ज बॉडी पर भी लगेगा, जबकि रिपल्सन केवल चार्ज पर ही लगेगा, चार्ज पार्टिकल पर ही लगेगा, इसलिए रिपल्सन इज श्योर टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ चार्ज और श्योर टेस्ट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी।
तो ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद फिर कुछ और प्रॉपर्टी पर हम चर्चा करेंगे, उसके बाद चार्जेस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हमें करना है, तुरंत का तुरंत हम न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल जो कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, और उसके तुरंत बाद फिर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट इसका ले लें।